कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के आने से मध्य प्रदेश में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अमेठी भी गई थी, लेकिन क्या हुआ, वहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश आने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस आज भी फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, वे पाकिस्तान को खुश करने के लिए बयान देते हैं। कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। इनके इनके इनकी लोकप्रियता और कहां बढ़ेगी, पाकिस्तान में ही बढ़ेगी। देश के जनमानस ने ये समझ लिया है, ये मानसिक विक्षिप्त हो गए राहुल गांधी के, कुछ भी कब क्या बोल रहे हैं। आप जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतना सफेद झूठ बोलते हैं, तो इसलिए उनकी लोकप्रियता पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर जो कांग्रेस करती आई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास के मंत्र से तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी, परिवारवाद की राजनीति खत्म कर दी, तो इंडी गठबंधन केवल परिवार और तुष्टीकरण केवल एक वर्ग को खुश करने का, तो पाकिस्तान ही खुश होगा। लेकिन देश का जनमानस आज मोदी जी से खुश है और मोदी जी को आशीर्वाद उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से जनता दे रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।